मेरठ में 3 मंजिला मकान गिरने का मामला सामने आया है जिसमें 8 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एक और शव को मलबे से निकाला गया है। 3 लोगों की अभी भी मलबे में दबे होने की सूचना मिल रही है और रेस्क्यू जारी है। इस वक्त की जानकारी हम आपको दे रहे हैं मेरठ से, जहां पे 3 मंजिला मकान के गिर जाने से 8 लोगों की मौत हो गई है। एक और शव को अभी निकाला गया है और रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। डीएम बता रहे हैं कि मलबे में दबे 3 लोगों का बचना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। मलबे में दबे 2 लोगों की टीम दिखाई दे रही है। 15 घंटे से अधिक वक्त से रेस्क्यू जारी है। वहीं लोहिया नगर क्षेत्र के जाकिर कॉलोनी में मकान गिरने का घटना सामने आया है। 15 घंटे से लगातार रेस्क्यू टीम जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोहिया नगर क्षेत्र के जाकिर कॉलोनी का यह हादसा है जिसमें 3 मंजिला मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। इस वक्त की जानकारी हम आपको दे रहे हैं जहां पे रेस्क्यू कर एक और शव को मलबे से निकाला गया है। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं मेरठ से, जहां पे 3 मंजिला मकान गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है। जैसा तस्वीरों में आप देख सकते हैं, राहत और बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन करी रही है और अब तक मलबे से 8 लोगों को निकाला जा चुका है जिनकी मौत हो चुकी है। 3 लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की जानकारी बताई जा रही है और डीएम के अनुसार बताया जा रहा है कि दबे हुए लोगों का बचना नामुमकिन है।